मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी आपको ऐसा लगा कि जो भी आप चाहो इस संसार में, जो भी आप चाहो उसे आप पा सकते हो, और अगर ये कहा जाए कि आप जो भी चाहो पा सकते हो, तो आप फिर पाना क्या चाहोगे? ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप पाना चाहोगे? क्या आप इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहोगे, या क्या आप अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहोगे? अमेरिका, जिसको कि हम ये समझते हैं कि संसार का सबसे पावरफुल राष्ट्र है, क्या आप अंबानी जी बनना चाहोगे, जिनके पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संपत्ति है? क्या आप बिल गेट्स बनना चाहोगे, या कि आप यूसेन बोल्ट बनना चाहोगे और दुनिया को अपने कर्तव्य से हैरान करना करोगे? क्या बनना चाहोगे? अगर हम ये कहें कि आप जो भी चाहो वो बनना चाह बन सकते हो, तो हम अगर देखें तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम असल में बनना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो हम वो कैसे बनेंगे? आज मैं आपको वो सूत्र देना चाहता हूँ जिसे मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि जीवन में आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो पाना चाहो वो पा सकते हो। आप चाहो कि आपके मन में बुद्ध जैसी शांति आ जाए, तो आपका मन उस शांति के कमल से खिल उठेगा, बुद्ध जैसी शांति आपके मन में आ जाएगी। आप चाहो कि आप 100 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओ, तो 100 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएगा। आप चाहो कि देश के राष्ट्रपति बन जाओ, तो आप देश के राष्ट्रपति बन जाओगे। जैसा चाहोगे प्रकृति जो है आपको वो दिलागे रहेगी, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करनी है, बस 2-4 बातों का कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कंबल ओढ़ के सोए रहो और सब कुछ मिल जाए आपको। ये जादू वाली बात मैं नहीं बता रहा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो जादुई खेल नहीं है, वो असल में बहुत ही वैज्ञानिक खेल है, बट वो बहुत जांचा परखा हुआ खेल है। हम लोग भी जानते हैं ऐसा, हम लोग ने भी ऐसा किया है जीवन में। क्या आप टेबल पर रखा हुआ, जब प्यास लगती है आपको टेबल पर रखा हुआ गिलास, आप किचन में जाके गिलास में पानी लेके पी नहीं जाते? आपको कभी लगता है, कभी आपको लगा कि आपने कुछ बड़ा काम कर दिया? आपके मन में इच्छा हुई, आपने उसको पूरा किया। उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए जो ज़रूरी शर्त है वो आपने पूरी की, आपको इसका एहसास नहीं होता। उसके लिए क्या किया आपने? आपके मन में पहली बात तो पानी पीने की इच्छा हुई, दूसरी बात आपने उसको ये माना कि आप पानी को आराम से पी सकते हैं, कोई आप कैपेबल हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, तो आपने उठ के पी लिया। तो किसी भी चीज़ को पाना ऐसा ही है कि आपने इच्छा की और आपने कहा कि इसको मैं पा सकता हूँ, अगर मैं IAS बनना चाहता हूँ तो मैं IAS बन सकता हूँ, और आप IAS बन गए, ख़त्म बात। तो इसके पीछे जो ज्ञान है, इसके पीछे जो बेसिकली विज्ञान है, वो ये है कि हमने हिप्नोटिज्म सम्मोहित करने की पावर के बारे में सुना है। बहुत से लोग इसको बहुत गलत मानते हैं कि सम्मोहित ऐसे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि आप कभी खुद को सम्मोहित कर दें तो क्या होगा? खुद को सम्मोहित करके आप खुद से वो सब काम करवा सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। मसलन कि आज मैं आपको बहुत ही एक्सपेरिमेंट के साथ चीज़ें बताऊंगा, मतलब जो आपके भाषण बातचीत के दौरान ही मैं इसको साबित करूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में कुछ पिछले 4-5 महीने से ऐसा कुछ हो रहा है कि जो मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली चीज़ें वैसी हो रही हैं, और उसके लिए मैं बहुत कष्ट नहीं कर रहा। पहले ये चाहा कि मैं 4 घंटे से कम में मैराथन दौड़ जाऊँ, तो मैं मैराथन दौड़ के मैंने 36 सेकंड पहले पूरा किया। जब मैं आधी मैराथन दौड़ा था, मुझे लग रहा था कि इस साल भी मैं मैराथन जो है वो 4 घंटे से कम में नहीं पूरा कर पाऊँगा। जबकि मैराथन दौड़ने के लिए तो क्या है, आपको 4 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, यू नो, बहुत ही रोज़ उठ के, रोज़ आलस्य को भगा के, रोज़ टाइम चाहिए, 3-3 घंटा 4-4 घंटा दौड़ना चाहिए।
लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ बनना है, जैसे सपोज करो कि आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे चले जाएँ, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे चले जाएँ, आप IIT में क्वालिफाई हो जाओ, या आप चाहते हो कि आपके जो ऑफिस में जो इस साल का जो प्रोजेक्ट है, जो आपको बहुत ही स्टीप टारगेट मिला हुआ है, जो लगता है आपको इम्पॉसिबल है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट लेके जाना है, वो आप कैसे पूरा कर लो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि सबकॉन्शियस की जो पावर है बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम 1% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉन्शियसली अगर आप रोज़ सोने से पहले की 5 मिनट का इस्तेमाल करेंगे, और उस दौरान आप वह सब चीज़ें देखेंगे जो कि आप चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करेंगे, यू नो, उसको फिजिकली देखेंगे। जैसे मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ किसी हॉल में, और आप लोग सब बैठे हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा का लीडर है, मैं ऐसे ही आप लोगों के इमोशंस को ऊपर ले के जाता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, आपको जब मैं बहुत सारा उत्साह भर देता हूँ, और देखते देखते 3 महीने में मेरे भीतर इतना आत्मविश्वास आ गया कि मैं इस तरह की सभाओं में बहुत ही बिना किसी संकोच के, और जिस तरह से मैं बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से एग्जैक्टली जिस तरह की इमोशंस मैं आप लोगों में पैदा करना चाहता हूँ, उस तरह की करता हूँ। मेरे लिए कुछ हैरानी की बात है, ये हो कैसे गया? वो बंदा जिससे कि ठीक से एक वाक्य नहीं बोला जा सकता था, और मैं इतनी अशुद्ध भाषा में बोलता था, शुद्ध मतलब उच्चारण के लिहाज से बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि साहब अभी भी आपका उच्चारण बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जीवन जो है वो प्रगति की ओर सीखने, जीवन जो है वो सीखना ही तो है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उस दिन आपका जीवन चला गया। तो सोने से पहले का जो 5 मिनट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस दौरान आपको वो सब विजुअलाइज करना है, जबकि आप वो सब चित्र देखने हैं, वो सब तस्वीरें देखनी हैं, वो सब खुद को करते हुए देखना जो कि आप असल में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स आएँ, आप जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस से दे रहे हो, जो भी दे रहे हो सब आपको आ रहा है, आप बहुत स्मूथली लिख रहे हो, तो आप खुद को विजुलाइज करो लिखते हुए। आपको सपोज करो कि आप में से बहुत सारे रनर्स हैं, आप देख रहे हो कि हाफ मैराथन आपको 145 मिनट में पूरी करनी है, आप देखो कि कैसे आप कोर के ऊपर रनिंग कर रहे हो, कितनी फास्ट दौड़ रहे हो, कितने आप में स्ट्रेंथ बची हुई है, कितनी एनर्जी के साथ दौड़ रहे हो, और कितना स्मूथली आपको आपका ब्रीदिंग कितना स्मूथ हो रहा है, आपका स्पॉन्टे उस ऊपर नीचे कोई आपको थकान नहीं लग रही है, लैक्टिक एसिड कहीं पर जमा नहीं हो रहा है, और इवन जो लास्ट का किलोमीटर है वो 5 से कम की स्पीड में दौड़ रहे हो आप, जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ। तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिस पर मैं अपने ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था, लेकिन मुझे लगा कि क्या किसी और पर एक्सपेरिमेंट करूँ तो क्या कामयाब होता है कि नहीं होता। मैं खासकर अपने जब भी मैं कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन के 15 मिनट दो रोज़, और मैं तुम्हें खुशहाल और सक्सेसफुल जीवन दूँगा। उसके लिए मैं एक ये सूत्र वाक्य है मेरा, जिसमें मैं 10 मिनट का मेडिटेशन का समय मांगता हूँ बच्चों से, और 5 मिनट के लिए त्राटक करने को बोलता हूँ। त्राटक यानी कि आप कोई भी चित्र को दीवार में कोई भी आकृति पर अपना ध्यान लगाएं, और आँख जो है आपको लगातार कंटिन्यूसली देखना है, आँख की पलकें भी झपकानी नहीं है, आँख की पुतलियाँ भी नहीं हिलानी है। सो त्राटक जो है आपकी फोकस पावर को, माइंड की फोकस पावर को बहुत बढ़ा जाता है। मेडिटेशन ध्यान क्या करता है, आपके माइंड को शांत करता है। काम माइंड जो है सबसे पावरफुल माइंड है, स्टिल माइंड, यू नो, शांत दिमाग। प्रकृति क्या है, शांत है। ब्रह्मांड क्या है, शांत है। इसीलिए ब्रह्मांड इतना पावरफुल है, और ब्रह्मांड ही तो परमात्मा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई रूप, कोई आकृति, कोई वो नहीं है, वो हमारी कल्पनाएँ हैं। असली ब्रह्मांड जो है वो हमारा परम पिता परमात्मा ब्रह्मांड है, वही सबसे शक्तिशाली है। तो ये 25 साल का बालक है जो कि पिथौरागढ़ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ से आया था। ये मुझे मिला, ये 2 साल से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिला नहीं। इसके जो बहुत ही इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो मेरे गुरुजी रहे हैं, तो मेरा बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था उनके प्रति। आज भी मैं उनको अपना पत्रकारिता के फील्ड में गुरुजी मानता हूँ, श्री बद्री दत्त कसनियाल, ये उनका रिलेटिव है, और ये उनके जरिए ही मेरे से मिलने आया, लेकिन मिल नहीं पाया। और जब मैं मिलने आया तो ये एक प्रो बॉक्सर है, मतलब प्रोफेशनल बॉक्सर है। ये जब मिलने आया तो मैं इसको देखते ही पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मुझे लगा कि यार ये बंदा जो है इसको अगर ये जो बताओ वो करेगा, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या आप 100% ये सोच के
तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर आप जो बात सोच रहे हो कि मैं 2 साल के बाद बनूंगा, आप ये एज्यूम कर लो, आप ये मान के चलो कि आप आज बन गए हो, तो क्या होता है? जब आप ये मान के चलते हो कि आप वो पहले ही बन गए हो, तो क्या होगा कि जो 2 साल वो बनने के बाद का आपका जीवन में जो चीज़ें होने वाली थी, वो चीज़ें आपकी और अपने आप से आने लगेंगी। तो मैंने इससे बात की, मैंने इसको 2 बातें कही कि यार, एक त्राटक करना है, एक मेडिटेशन करना है। मैंने जितने ज़ोर से इसको कहा, इसने डबल ज़ोर से इसने वो काम किया, और ट्रेनिंग में इसकी कोई कमी नहीं है। अगले ही दिन से इसका जीवन जो है बदल गया। मैंने इससे कहा कि तेरे को 1 साल के अंदर यू आर गोइंग टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन इन बॉक्सिंग। और इसने, मैंने कहा तेरे को अभी से अपने को वर्ल्ड चैम्पियन मानना है। 1 साल के बाद बनने का वो बात अलग है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू एज्यूम, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर अ वर्ल्ड चैम्पियन फ्रॉम दिस मोमेंट। यू हैव टू ट्रेन लाइक अ वर्ल्ड चैम्पियन, यू हैव टू ईट लाइक अ वर्ल्ड चैम्पियन, यू हैव टू वॉक लाइक अ वर्ल्ड चैम्पियन, यू हैव टू टॉक लाइक अ वर्ल्ड चैम्पियन। और उसके बाद से उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, ये मैं हम उसी से मैं हम चाहेंगे कि वही हमको बताए। तो विमल, हेलो, सभी को सुप्रभात। मैं आज अंकल के साथ 20 किलोमीटर दौड़ा। मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। कल शाम को मैं तई अंकल से बातचीत हुई, तो कल शाम को मैंने विजुअलाइज़ किया कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, और 20 किलोमीटर ये पहली बार दौड़ा मैं आज। कल शाम को विजुअलाइज़ किया, मेडिटेशन किया, त्राटक किया, कल शाम का असर ही आज हम लोग जो है 20 किलोमीटर दौड़ गए। तो विजुअलाइजेशन की पावर आप देख सकते हैं, 20 किलोमीटर। और अगले साल का नेक्स्ट टारगेट है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप को इंडिया में लाना, और दैट विल बी डेफिनेटली हैपन। थैंक यू। तो ये आप ये देखिए कि इसने विजुअलाइज़ किया, विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल प्रोसेस है। आप कुछ भी विजुअलाइज जब करते हैं, मैंने खुद अपना जो मैराथन पूरा किया वो विजुअलाइजेशन की वजह से पूरा किया, 4 घंटे से कम है। विजुअलाइज का मतलब है बिफोर यू स्लीप जस्ट विजुअलाइज, अगले दिन आप खुद को दौड़ते हुए देखो, या जो पाना चाहते हो उसको पाते हुए देखो। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बच्चा है, इसने ठीक से बताया नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बताए कि जब से इसने ये सोचा है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है बॉक्सिंग में, इसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, बताओ भाई विमल। जब से मैंने सोचा है, चीज़ें नेचुरली होने लगी हैं। अगर आपको अंकल ने बोला कि अगर आपको वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो वर्ल्ड चैम्पियन बनने की एक सोच हमने डेवलप कर ली, लेकिन उस तरीके से ट्रेनिंग करना, उस तरीके से व्यवहार करना कि आप एक्चुअल वर्ल्ड चैम्पियन हैं, तो ऐसा व्यवहार करके, ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज़ करके पूरे दिमाग में बिठा लेना कि आप पूरे वर्ल्ड चैम्पियन हैं। और लेकिन ऐसी घटनाएं भी तो घटी हैं जिसको आप, मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी घटनाएं। हाँ, जैसे आपको वो USA से लीजा ने आपको कॉन्टेक्ट किया तुरंत। हाँ, और जैसे ही अंकल ने मेरा वीडियो डाला फेसबुक में, तो बहुत से अमेरिकन प्रमोटर्स अंकल को मैसेज करने लगे, मुझे भी मैसेज करने लगे। इवन मेरा वीडियो, मेरा फ़ोटो उन्होंने अपने टाइमलाइन पे भी लगाया है कि दिस बॉय विल बी द पोटेंशियल फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वो जो जो तुम जो मार्टिनेज का नाम है उसका वर्ल्ड चैम्पियन। हाँ, उसके बाद से मुझे जॉन मॉन्टेस जो कि 1980 में वो चार बार वर्ल्ड लाइट वेट चैम्पियन है, और उसके बाद उन्होंने 4 बार हॉल ऑफ फेम भी अवार्ड मिला है उनको, तो उसके बाद से ही वो मुझे आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी एक वर्ल्ड चैम्पियन का, जो भी 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन है, 4 बार हॉल ऑफ फेमर है, उनका ये कहना है कि आप भी वो चीज़ कर सकते हैं जो मैंने किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अंकल का थैंक यू। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको, जो आप लोगों में से स्टूडेंट्स हैं या आप लोगों के बच्चे हैं, उनको इस बात की ट्रेनिंग दीजिए कि वो ये मान के चलें कि जो शाम रात का 5 मिनट का समय है सोने से ठीक पहले का, वो उनके लिए बहुत क्रूशियल है। और ऐसा नहीं कि ये कोई मैजिक हो जाता है। क्या होता है कि जब आप अपने को कोई चीज़ पाने के लिए सम्मोहित करते हैं, तो आप उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी जैसी भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, फिजिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, मेंटल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, या जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, वो आप ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। उसके लिए आपको कोई बाहर से किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ,
तो इसका एग्जांपल दिया मैंने विमल का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि हम कोई किसी मैजिक पावर से कर रहे हैं, और जो होने वाला वो इस जगत में हमारे सामने ही होने वाला है। जो होता है हमारे सामने होता है, ऐसा कुछ नहीं कि अचानक से किसी चीज़ से हो जाता है, एक प्रोसेस होती है। तो ये एक साल के अंदर अंदर ये वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा। आप लोगों के सामने मैंने उसको पेश किया इसलिए कि ताकि आप उसको फॉलो कर सकें, आप ये चेक कर सकें कि क्या ये बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है तब तक विश्वास नहीं होता जब तक कि कोई चीज़ हो नहीं जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक साल बर्बाद न करिए, अपना भी आप जो करना चाहते हैं उसको अभी करना शुरू कीजिए। टारगेट सेट कीजिए कि मुझे जो करना है, और उसके बाद सारी फोर्स आप फोकस पूरा जो है सारी फोर्स सारी एनर्जी वहाँ लगा दीजिए। आप ये बोलेंगे कि इसके वर्ल्ड चैम्पियन बनने की वजह यह है कि इसने त्राटक किया, इसने मेडिटेशन किया, इसने 5 मिनट सोने से पहले अपने को वर्ल्ड चैम्पियन माना। लेकिन मैं हो सकता है उल्टा बोल दूँ, मैं आपसे ये बोलूँ कि नहीं नहीं इसकी वजह से जो उसने जो ट्रेनिंग किया वर्ल्ड चैम्पियन की के तरह, वो ट्रेनिंग इसकी सक्सेस की, ट्रेनिंग इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। आप सोचते हो तो आपके सोचने से आपकी बॉडी में इमोशंस पैदा होते हैं, इमोशंस जो हैं आप में पॉजिटिव इमोशंस आपकी आपके माइंड को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है तो आप ज़्यादा फोकस करते हो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हो। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से जब आप काम करते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। जब एक रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है तो वो आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह एक लाइफ पॉजिटिव साइकिल बनता चला जाता है। बस इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ का ख्याल रखें, कृपया करके बहुत गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। ये जगत जो है वो बेसिकली क्या है, लीला है, ये रंगमंच है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो बहुत सीरियस नहीं होना सक्सेस को लेके भी, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल चेहरे पर जो है भ्रुकुटियाँ तन जाएँ, ऐसी छोटी मुस्कान, हर चीज़ मुस्कान के साथ। आज नवभारत टाइम्स में मैंने एक कॉलम लिखा है जिसमें खिलंदड़ेपन की बात की है कि अपने चेहरे पर थोड़ी सी हंसी चस्पा कर लीजिए, मुस्कुराते हुए काम कीजिए, टेंशन नहीं लेने का है, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। पॉजिटिविटी से भरिए, कुछ बेसिक ज़रूरी बुनियादी काम है इनको करिए तो आपको सफल